तो बता दें कि पीएम मोदी स्वामित्व योजना का उद्घाटन करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 राज्यों के 763 गांवों में 1,00,000 संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक लाभार्थी श्री लिखी चंद को स्वामित्व टाइटल डीड के आधार पर बैंक से 15,00,000 रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है, जिससे वे अपने घर का विस्तार करेंगे। अब मैं बैंक अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वे श्री लिखी चंद जी को स्वीकृत लोन की पहली किस्त के रूप में 5,00,000 रुपए का चेक प्रदान करें। इस गौरवशाली अवसर पर 5 राज्यों के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के श्री दर्शन सिंह मारवी जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह मरावी, ग्राम गुरैया, ग्राम पंचायत गुरैया, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं, हमारे सभी खुश हुए हैं सर। जब पहले कागज नहीं थे तो बहुत दिक्कतें आती होगी, कोई मानने को तैयार नहीं होता होगा कि आपका है, तो फिर क्या स्थितियां थी? बहुत पहले ये कोई नहीं मिला था सर कोई अधिकार, और अब जब मिल गया है तो जब काम हुआ तो सर्व सरकारी कर्मचारियों के हाथ से होता था तो फिर जरा मुसीबत रहती थी, अब मशीन ने कर दिया तो जरा आपको भरोसा हो गया था कि ड्रोन मशीन जो काम करेगा इंसान से अच्छा करेगा, ऐसा लगा था आपको? जी सर, उससे हमें बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ग्राम में चूना डलवाए सर, और इसके बाद जहाज कूड़ाए, वो ने 3-4 चक्कर लगाया सर, और इसके बाद वो जहां से आया वहीं चला गया, और 3 दिन के बाद पटवारी जी ने हमें नक्शा दिखा दिया सर। तो गांव के बाकी लोगों को भी संतोष है जो ड्रोन से काम हो रहा था? किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ ना? जी नहीं, सभी के
मकान और आबादी भूमि का वो हुआ है सर। कोई झगड़ा नहीं हुआ ना कि तेरी जमीन मेरे में आ गई, मेरी जमीन तेरे में चली गई, ऐसा नहीं हुआ ना? जी नहीं। बिल्कुल पक्का? जी। चलिए दशरथ जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कागज मिलने से अब आपकी और आपके जैसे आपके गांव के दूसरे साथियों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जी। आदिवासी भाई बहन हो, हमारे दलित भाई बहन हो, हमारे वंचित भाई बहन हो, पिछड़े साथियों को विशेष तौर पर इन कागजों से बहुत मदद मिलेगी। अब आपकी जमीन और घर पर कोई भी गलत नजर नहीं डाल सकता है। जी सर। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए दूसरे लाभार्थी से बात करेंगे। दशरथ जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर आपको धन्यवाद सर। वाह वाह वाह। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के श्री राम मिलन जी संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। राम मिलन जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री साहब। राम मिलन जी बताइए, मुझे जो बताया गया कि एक दुर्घटना में आपकी हथेली कट गई थी, कौन से हाथ की हथेली कट गई है? सर ये दाहिने हाथ की हथेली लगभग 14-15 साल पूर्व कट गई थी। दिखाइए जरा। ये सर। अच्छा, तो बिना हथेली आप काम करते हैं? थोड़ा बहुत इससे काम कर लेते हैं। तो एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ये चारा मशीन से कट गई थी। ओ, तो फिर आप कैसे अपना जीवन आजीविका वगैरह क्या करते हैं राम मिलन जी? साहब परचून की दुकान है साहब, वही चलाते हैं, थोड़ी खेती कर लेते हैं, बटाई बटाई। देखिए आपके जीवन में तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया, और शरीर का एक हिस्सा चला जाना यानी एक बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, लेकिन आपने हिम्मत के साथ खुद को भी संभाला, घर को भी संभाला। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि यह घरौनी मिल गई है, जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं, और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। जब ये ड्रोन से काम चल रहा था तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता होगा? अरे साहब चूना उना डाल के और ड्रोन द्वारा काम करा हुआ तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए। हाँ। सब छोटे छोटे बच्चे और सब लोग बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ा देखने के लिए, खूब परेशान रहे सब लोग। सबका विश्वास बन गया है कि अच्छी व्यवस्था हो रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब। ये खुशी की बात है कि आपके घर के कानूनी कागज आपको मिलने से अब गांव में विवाद भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर तो झगड़े जमीन और घर के ही हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली आशंकाओं की चिंता भी मुक्त हो गए, और पूरी तसल्ली से अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार आप जैसे साथियों के लिए अनेक लाभकारी योजना चला रही है, उन सभी का भरपूर लाभ उठाइए। और राम मिलन जी, ये जो फायदा हो रहा है औरों को भी बताइए, बताएंगे? फायदा सर इससे हम अपना कर्ज ले सकते हैं बैंक द्वारा। हाँ। और व्यवसाय अपना बढ़ा सकते हैं, दुकान। आपको पूरा विश्वास है कि बैंक में आप कागज दिखा करके पैसे ले सकते हैं आप? हाँ साहब विश्वास हो गया सर। चलिए राम मिलन जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बधाई है, धन्यवाद जी। अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्री सुरेश चंद जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूँ। सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। हाँ सुरेश जी बताइए, आपको ये प्रॉपर्टी स्वामित्व
ये जो कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप बताइए कि पहले आपको क्या परेशानी होती थी, कैसी कैसी चिंताएं रहती थी, और अब ये स्वामित्व का आपके हाथ में कागज आ गया है, एक हक बन गया है और सरकार ने दिया है, तो आज ये बदलाव आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? इसमें स्वामित्व अभिलेख मिलने से सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है।